स्वागत है। सबसे बड़ा महल, हवेली, कोई परिवार या कॉलोनी तो आपने खूब देखी होगी, मगर चींटियों की सबसे बड़ी कॉलोनी देखने हो तो राजस्थान के गांव निम्बावास चले आइए। इस कॉलोनी को स्थानीय भाषा में कीड़ी नगरी या कीड़ी नगरा भी कहा जाता है। दावा तो ये भी है कि निम्बावास का कीड़ी नगरा संभवतया एशिया में सबसे बड़ा है। इस बात का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि निम्बावास की कीड़ी नगरा करीब 150 बीघा में फैला है। यहाँ करोड़ों चींटियाँ रहती हैं और रोजाना 4 क्विंटल दाना खपता है। करीबन 150 बीघा के क्षेत्र में अर्थात 3 किलोमीटर के दायरे में कीड़ी नगरा वहाँ सींचा जाता है और वहाँ बकायदा एक बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर कीड़ी नगरा सींचने के लिए आप इस रास्ते से जाइए। लोग बड़ी संख्या में जो भामाशाह हैं, जो पुण्य करने के लिए वहाँ कीड़ी नगरा सींचने को अमावस्या पूनम के दिन आते हैं और वहाँ पर अनाज के दाने, शक्कर और अन्य आटा जैसी चीज़ों का दान पुण्य करते हैं। ये बड़ा पुण्य का कार्य होता है और लंबे समय से हमने भी अपनी नज़रों से देखा है और हमने भी जाकर के ये कार्य किया है। निम्बावास के इस कीड़ी नगरा के चारों तरफ तारबंदी भी करवाई हुई है ताकि यहाँ पर चींटियों को डाले गए नारियल का बूरा, अनाज, चूरमा, शक्कर, दलिया, बिस्किट आदि सामग्री खाने के लिए दूसरे बड़े जानवर प्रवेश ना कर सके। चींटियों को दाना डालने के लिए हर पूर्णिमा और अमावस्या को मेले सा माहौल बनता है। यहाँ चींटियों को दाना डालने के लिए जालौर जिले के अलावा मारवाड़ क्षेत्र से दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। लगभग 150 बीघा क्षेत्र में आपको सिर्फ चींटियाँ ही दिखाई देंगी। यह जो कीड़ी नगरा है वह भीनमाल से महज 13 किलोमीटर दूर स्थित निम्बावास गांव में है। लगभग यह 150 बीघा में फैला हुआ है। यहाँ पर एक मान्यता है कि जो यहाँ पर चींटियाँ पाई जाती है वो अमूमन जो चींटियाँ होती है उनसे बड़े आकार की होती है और इन्हें दान करने पर यहाँ जो दान दिया जाता है उसका पुण्य बहुत मिलता है। यहाँ पर अधिकतर लोग अमावस्या और पूनम के दिन पधारते हैं जहाँ पर एक मेला सा लगा रहता है और यहाँ पर दान करने से एक मान्यता है कि लोगों को पुण्य मिलता है और इसलिए अधिक से अधिक यहाँ श्रद्धालु जालौर, सिरोही और पाली से पधारते हैं और गुजरात से यहाँ ज्यादातर लोग आते हैं। कितने क्षेत्र में ये फैला हुआ है? यह लगभग 150 बीघा में फैला हुआ है, निम्बावास गाँव के अंदर स्थित है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में महिलाओं की संख्या अधिक रहती है। चींटियों को दाना डालने के बाद महिलाएं भजन कीर्तन करती हैं। यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं में सिरोही, बाड़मेर, पाली जिले के लोग भी शामिल हैं। लोग जैसे ही स्थल के बारे में सुनते हैं तो यहाँ दाना डालने के लिए पहुँचते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए।